गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से हम ये साइंस की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीक की छुट्टी ले ली थी मैंने, इसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, वरना मैं छुट्टी नहीं लेता। तो आज से जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यूपी पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये क्लास, जिन एग्ज़ामों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 25 क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो 25 क्वेश्चंस इस वाली क्लास से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस वाली क्लास से, मतलब जो भी प्लेलिस्ट बनी है साइंस की, अगर आप 25 क्वेश्चंस कंटिन्यू रोज करते हैं तो 3 महीने में आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए हम चलेंगे क्वेश्चंस को उसको देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, कैसे कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि कल से, मतलब 3 अक्टूबर से हम वाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग हो गई, हिंदी के कुछ टॉपिक्स हो गए, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस देखिए मैं उस पर इसलिए नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत होगी। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करने हैं, पकड़ बना के रखनी है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एकदम आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और 18 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, तो बताइए इसका अगर आपको आंसर देना हो तो आप क्या कह सकते हो। अगर हम बात करें कि जो पानी का घनत्व होता है, ठीक है, उसका सबसे अच्छा जो, अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा जो घनत्व होता है, सर्वाधिक घनत्व होता है, वो किस पर होता है। ऑप्शन है आपके पास 4 दिए में, और ये क्वेश्चन UPPCS में भी पूछा गया क्वेश्चन है और RASRTS में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए चारों ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, चार ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका भी और टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हो, UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ तर्क वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो उस समय जो पेन की स्याही है वो निकल जाती है, अगर आप हवाई जहाज में पेन लेके जाते हो तब, ठीक है। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वायु दाब में कमी हो जाती है, इस वजह से जो पेन है, ठीक है, उसकी जो स्याही है वो, मतलब ऊपर की तरफ से निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक केशव नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। एक केशव नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो देखिए RAS और RTS में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। एक तरीका सीख लीजिए, नोट डाउन करिए, रात को सोते टाइम आधे घंटे सब सब्जेक्ट को देख लीजिए, एग्ज़ाम आने से 20 दिन पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, कल से हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि जो तरल का पृष्ठ तनाव है वो जल के पृष्ठ क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो क्या होगा, ठीक, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा, या चपटा या तस्त्री नुमा रहेगा। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो वह बढ़ जाएगा, ठीक है। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन और है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पे ऊपर रहता है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं,
जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मेरे क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 1/9 भाग, अगर मान लें कि अगर ये समुद्र है, ठीक है, ऐसे मैंने कभी कुछ बताया था आपको कि अगर कोई आइस क्यूब है, ठीक है, तो आइस क्यूब को अगर आप जल में डालोगे, ठीक है, समुद्र में, तो 1 भाग ऊपर रहेगा, 9 भाग नीचे, मतलब अत्यधिक जो भाग रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का ताप कैसा होता है। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का ताप कैसा होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि जो साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब होता है तो वो कैसा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्यों। जल की सतह पर तेल फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा अधिक मतलब घना कम होता है, तेल जल के तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा। तो अगर हम बात कर लें जल की, जैसे कि अगर आप एक बाल्टी में पानी भरो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, ठीक है, तो वो जल्दी से कवर कर लेगा पूरे पानी को, तो वही चीज़ मतलब क्यों हो जाती है। तो मैं अगर सही आंसर की बताऊं तो इसका जो अगर राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा कि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है, जो जल की सतह का तेल मतलब जल की सतह पर तेल का फैल जाना किसके कारण होता है, क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वह जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, इस वजह से वो फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, कैसे महसूस होता है। ये 4 ऑप्शन है, और बताइए कैसा महसूस होता है जब आप कुएं से किसी बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचते हो। तो UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि पानी की सतह से ऊपर ऊपर क्या होता है, भारी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, बादलों के वायुमंडल में तैरने का रीजन क्या है। ताप, वेग, ताप, घनत्व। जो बादल हैं आपने देखा होगा, जो बादल होते हैं ना वो तैरते हैं। आपने दोपहर में कभी देखा होगा तो जो बादल छोटे बच्चे उसमें बोलते हैं, देखिए बादल जा रहा है, बादल है ना, ऐसे करके। तो जो बादल होता है वो किस रीजन से तैरता है। 26 का राइट आंसर घनत्व। घनत्व के कारण जो बादल है वह तैरते हैं। IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 की ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो आपने हजारों बार पढ़ा होगा, इसको दिया था पास्कल ने, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं कैसे। मछलियाँ नियत तापी जीव होती हैं, मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, दिया है कि बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। इसका राइट आंसर है हमारा 28 का सी, क्योंकि जो झील की तली होती है वहाँ पर पानी नहीं जम पाता है, इस वजह से मछलियाँ जो है वो जिंदा रहती हैं। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है कि अगर कोई कण है तो एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। 29 का राइट आंसर है, एक वेग, उसका वेग एक समान हो सकता है, तो सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है। घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित होता है, या अपरिवर्तित रहता है। 4 ऑप्शन कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, मतलब एक आप प्योर पानी ले लो उसमें डिटर्जेंट डाल दो, जो कपड़ा धोते हो आप लोग, तो उसमें क्या मतलब बढ़ेगा घटेगा, क्या क्या परिवर्तन आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। परिवर्तन आपका आएगा कि जो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ
पर ना चिपकने का रीज़न क्या है। तब अगर जो पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, उनका तैली पृष्ठ पर ना चिपकने का रीज़न आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये SSC में पूछा है क्वेश्चन। राइट आंसर इसका है हमारा असंजक बल के कारण। ठीक है, असंजक बल के अभाव के कारण जो होता है, जो तैली पेस्ट होता है वो चमक मतलब चिपकता नहीं है। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि हम किसी पात्र के जल पर द्रव की दाब की गणना करना चाहें तो निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव की दाब की गणना करना चाहें, ठीक है, क्या है, द्रव के दाब की गणना करने की बात हो रही है, ठीक है, तो उससे हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं जो कि कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है कि पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी मतलब सर्वाधिक घनी होता है, तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। तो अगर हम बात कर लें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तेल। ठीक है, कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी मतलब विस्कारी होता है। ओके, क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, स्याही सोखना, भूमिगत जल का स्तर टूटना, सूती कपड़े पर पानी बूंद को फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्ते के पानी तक उठना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर का राइट आंसर है कि पौधे की जड़ों से उसके पत्ते तक पानी पर उसको ऊपर उठना। ठीक है, यह एक केशिका तो एकमात्र रीजन नहीं, तो डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा। और हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों। गोरखपुर में पूछा गया क्वेश्चन है, डीजल सहायक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी दिया है कि वायुदाब बढ़ जाता है, सी दिया है कि हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी दिया है कि वायुदाब घट जाता है। तो चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट है। ठीक है, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट भी जरूर बताइएगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम हो, वो कुछ बताना हो कि सर ऐसे बताइए कुछ दिक्कत हो रही है, तो हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।